भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के काघाल गांव में जन्मे नायाब सूबेदार बाना सिंह जी ने 1969 में सेना में प्रवेश कर अपनी फौजी जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, अगर इनके योगदान की बात करें तो जब सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ का पता चला तो उनके द्वारा बनाई गई कायद चौकी को फतह करने के लिए सूबेदार बाना सिंह जी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सैनिकों के साथ बर्फ की बनी उस सपाट दीवार को लांघने में कामयाब हुए, जिसे पार करना अब तक सैनिकों के लिए मुश्किल भरा कार्य था। बाना सिंह जी ने न केवल उसे पार किया बल्कि उसे पार कर चौकी पर तैनात घुसपैठिए दुश्मन सैनिकों पर ग्रेनेड और बैनेट से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो भी बाना सिंह जी के हाथों मारे गए और बाकी बचे दुश्मन सैनिक चौकी छोड़कर भाग निकले। इस तरह बाना सिंह जी ने अपने पराक्रम से सियाचिन ग्लेशियर पर बनी चौकी को दुश्मन के कब्जे से फतह किया। इस पराक्रम के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सियाचिन में बाना सिंह जी ने जिस चौकी को फतह किया था उनकी वीरता के सम्मान में उस चौकी का नाम बदलकर बाद में बाना पोस्ट रख दिया गया। हम टीम मिक्स्ड माइंड्स की ओर से नायाब सूबेदार बाना सिंह जी और उनके वीर साथियों को नमन करते हैं।